कांग्रेस नेताओं ने महाकाल मंदिर में शुद्धि का ड्रामा किया। गैंगस्टर विकास दुबे के महाकाल मंदिर में पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने महाकाल मंदिर के शंख द्वार को गंगा जल से शुद्ध किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे। कांग्रेस का मानना है गैंगस्टर विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में शंख द्वार से मंदिर में प्रवेश किया था, इसीलिए महाकाल मंदिर और खासकर शंख द्वार अशुद्ध हो गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप, भाजपा की शिवराज सरकार ने षड्यंत्र रचकर महाकाल मंदिर में विकास दुबे को प्रवेश दिलवाया था। विकास दुबे के मंदिर में प्रवेश करने के कारण मंदिर का शुद्धिकरण जरूरी हो गया था, इसीलिए मंदिर में शुद्धि अभियान चलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा वहां मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।